हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज प्रोसेसिंग स्टेप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो यहाँ पे है। ओके, इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इमेज एक्विजिशन। सो इमेज एक्विजिशन इज द फर्स्ट स्टेप इन इमेज प्रोसेसिंग। ये हमारी सबसे पहली स्टेप होती है। दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज द प्री प्रोसेसिंग इन इमेज प्रोसेसिंग। ओके, इसको हम प्री प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। नाउ इट इन्वॉल्व रिट्रीविंग द इमेज फ्रॉम अ सोर्स, यूजुअली अ हार्डवेयर बेस्ड सोर्स। जो हमारे पास जब भी हम कोई इमेज को क्लिक करते हैं तो वह हमारे पास होता है इमेज एक्विजिशन, उसको हम बोलते हैं। नाउ इमेज इन्हांसमेंट। इमेज इन्हांसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट द हाईलाइटिंग सर्टेन फीचर ऑफ इंटरेस्ट इन एन इमेज दैट हैज बीन ओवर ऑब्सक्योर्ड। दिस कैन इन्वॉल्व चेंजिंग द ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एटसेट्रा। यानी कि हमारे पास जो भी एक इमेज हम खींचते हैं उस इमेज के अंदर हमको थोड़ा और, अगर जो हमारा प्रोसेसर होता है वो उसको और थोड़ा इन्हांस करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है इमेज रिस्टोरेशन। इसमें क्या होता है, इमेज रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज। ओके, हमारे एक जो अपीयरेंस यानी कि किस हमारे जो दिख रही है इमेज उसको यह इम्प्रूव करता है। हाउएवर, अनलाइक इमेज इन्हांसमेंट, इमेज रिस्टोरेशन इज डन यूजिंग अ सर्टेन मैथमेटिकल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। तो इन दोनों के थ्रू हम जो हमारा इन्हांसमेंट और रिस्टोरेशन होता है वो हमारा डन होता है मैथमेटिकल एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के थ्रू। नाउ नेक्स्ट आता है कलर इमेज प्रोसेसिंग। कलर इमेज प्रोसेसिंग इंक्लूड अ नंबर ऑफ कलर्स मॉडलिंग टेक्निक इन अ डिजिटल डोमेन। जो हमारे पास एक डिजिटल इमेज होती है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी कलर है वो हमारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में आता है। दिस स्टेप हैज गेंड प्रोमिनेंस ड्यू टू द सिग्निफिकेंट यूज ऑफ डिजिटल इमेज ओवर द इंटरनेट। ओके, सो हमारा बेसिकली क्या करता है, एक इमेज होती है उसके अंदर हर एक पिक्सल की जो कलर है वो प्रोवाइड कराता है हमारा कलर इमेज प्रोसेसिंग। नाउ वेवलेट एंड मल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेसिंग। वेवलेट आर यूज टू रिप्रेजेंट इमेज इन वेरियस डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन। जो हमारा वेवलेट होता है ये क्या करता है, हमारा जो हमारी इमेज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल रिजोल्यूशन में। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं उसके बहुत सारे सैंपल्स तैयार करता है। द इमेज आर सब डिवाइडेड इंटू वेवलेट और स्मॉलर रीजन फॉर डेटा कंप्रेशन एंड फॉर पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन। सो हमारा इसके इसलिए हम जो वेवलेट होता है उसको यहाँ पे यूज करते हैं ताकि हम उसको कंप्रेस कर सकें। नाउ कंप्रेशन की बात करें तो इसमें आता है कंप्रेशन इज अ प्रोसेस यूज टू रिड्यूस द स्टोरेज रिक्वायर्ड टू सेव एन इमेज और द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट इट। यानी कि कंप्रेशन की हमारे को जरूरत होती है ताकि हम जो स्टोरेज है उसको रिड्यूस कर सकें एंड देन जो बैंडविड्थ होती है ट्रांसमिशन की उसको यहाँ पे रिड्यूस कर सकें। दिस इज डन पर्टिकुलरली वेन दिस इमेज इज फॉर यूज ऑन द इंटरनेट। ओके, सो जब भी हम इसको इंटरनेट पे यूज करते हैं तो उस समय हमारे यहाँ काम आता है। जैसे हमने व्हाट्सएप पे कोई भी इमेज भेजते हैं तो हमारी उसकी जो क्वालिटी होती है इमेज की वह हमारी रिड्यूस हो जाती है। नाउ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। इसमें क्या आता है, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग इज अ सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन फॉर मॉर्फिंग इमेज बेस्ड ऑन देयर शेप्स। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है बेसिकली हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसका शेप किस तरह से है तो यह डिटरमाइन करता है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ओके, इट इन्वॉल्व पार्टिशनिंग एन इमेज इंटू अ कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट और ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे पास एक इमेज है उसके यह छोटे छोटे टुकड़े करता है ताकि कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म करें हम तो वह आसानी से परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। आफ्टर एन इमेज इज सेगमेंटेड इनटू अ रीजन इन द सेगमेंटेशन प्रोसेस ईच रीजन इज रिप्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब्ड इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर फर्दर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो हमारे पास जब सारा एक टुकड़ों में इमेज हो जाती है तो हम उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए वह सुटेबल होती है। रिप्रेजेंटेशन डील्स विद द इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रीजनल प्रॉपर्टीज। ओके, सो हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वह डील करता है कि जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड जो उसकी प्रॉपर्टीज है रीजन्स की, यानी कि कौन सा पिक्सल हमारा कहाँ पर है वो सारा हमारा
इसके अंदर आता है। नाउ डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें आता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन डील्स विद द एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्टिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स डिफरेंशिएट वन क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर। ओके सो इसमें क्या होता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स डिफरेंशिएट, यानी कि दो इमेज अगर हमारे पास सेम है और हम चाहते हैं कि वो हमारा अलग अलग दिखे तो हम यहाँ पे उसमें चेंज कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, देन वो हमारी यहाँ पे चेंजेबल हो जाएगी। नाउ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन असाइन अ लेबल टू एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स डिस्क्रिप्शन। हमारे पास जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है उसके आधार पे हम यहाँ पे क्या करते हैं उसको एक लेबल देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी इमेज है वह किस टाइप की इमेज है। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।